हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या मांगी गई है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई है, तो आपकी वैकेंसी 157 पदों पर निकाली गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट ने मैंने किन किन पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर आपकी तीन चार पोस्टें रहने वाली हैं, यानी चार पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। पहली जो आपकी है टेक्नीसियन, फिर है नॉन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की है, फिर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी की पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ऑनलाइन डेट फॉर लास्ट डेट यानी आपके आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक ख़त्म होगी, तो आपके जो फॉर्म है वो आपके 12 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 11 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपकी जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर 2022। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस यहां पर रखी गई है। एससी और एसटी की कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, यानी इन सभी के जो फॉर्म हैं वो एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिटेशन की बात करें इसमें आपकी एज क्या है, तो आपकी जो मिनिमम एज जनरल वालों के लिए 18 से मैक्सिमम 38 ईयर्स होनी चाहिए। एज में हमें रिलक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी 10th ITI डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप इसके माध्यम से इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन जो है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो आप इसमें आपकी जो सैलरी मिनिमम 25,700 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, यानी हर मंथ का अमाउंट आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्लाई मोड जो आपका है ये ऑनलाइन रहेगा, यानी ये फॉर्म जो आपके हैं ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ऑफ इंडिया रहने वाली है, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी या किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं, फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।